हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। आज मैं आप सबके लिए UG सेमेस्टर 2 का पॉल साइंस का जनरल जनरिक का पेपर लेकर आई हूँ, जो 2021 का है। और इसमें हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जिसमें से नंबर 1 कंपलसरी है। तो पहला MCQ है, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेशनल राइट, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। G.V. मावलंकर, C.D. देशमुख, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक्स टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कल्चरल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेमोक्रेसी। विच स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड UP। How many members can be nominated to the Raj Sabha by the President? 8, 10, 12 or 14. Then B में हमें short note लिखना था, right to equality and judicial review पर। Then question number 2, describe the salient features of the Indian Constitution. Question number 3, discuss critically the fundamental rights given in the Indian Constitution. Number 4, evaluate the constitutional position of Indian President in the light of the power and functions. Number 5, discuss the composition and functions of Supreme Court of India. 6, describe the organization, functions and powers of Lok Sabha. 7, critically discuss the appointment and functions of the Chief Minister. Number 8, discuss the significance of the preamble to the Indian Constitution. Number 9, write short notes on any two of the following. 4 diye hue the option, jisme se sirf 2 par hame short note likhna tha. First one tha emergency powers of the President, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लास्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज। इन चारों में से किसी 2 पर लिखना था। इट मीन्स 2 से लेकर 9 तक हमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और नंबर 1 जो था वो कंपलसरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।